जय हिंद साथियों, असम राइफल रिक्रूटमेंट 2022 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेके आए। अकेले 700 से ज्यादा पदों का रेडियो एंड लाइन जो आपकी पोस्ट है उसके रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इस रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि असम राइफल का दोस्तों एक रिक्रूटमेंट आ चुका है जिसमें टोटल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1380 है, जिनमें से अकेले रेडियो और लाइन पोस्ट की 700 से ज्यादा वैकेंसीज है। तो इस पोस्ट के लिए क्या क्या आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, किस प्रकार आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज होगी या ऑल ओवर इंडिया होगी, साथ ही कब से लेकर कब तक आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, तो इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए और आगे आने वाली असम राइफल रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूं। अगर आप भी एसएससीजीडी कांस्टेबल 2022-23 में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की काफी अच्छी गाइड मार्केट में आ चुकी है, जो कि संपूर्णतः सिलेबस के हिसाब से इस गाइड को तैयार किया गया है, जिसमें आपको करंट अफेयर साथ ही प्रैक्टिस वर्क बुक भी आपको यहां पर मिलने वाली। दोनों ही बुकों का दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाके इन बुकों का आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो ये असम राइफल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल आप यहां पर सबसे ऊपर आप देख सकते हो ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल असम राइफल शिलोंग, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहां पर आपके ऑनलाइन अप्लाई की डेट भी आ चुकी है। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों 6 जून से आप लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और 20 जुलाई तक दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, मतलब 6 जून से लेकर 20 जुलाई तक आप लोगों के लिए ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिवेट यहां पर रहने वाला है। वही जो आपकी रिक्रूटमेंट रैली होगी वो 1 सितंबर 2022 से शुरू हो जाएगी। टोटल जिस वैकेंसी आपकी 1281 के लगभग आपकी वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही है, जिनमें अलग अलग काफी वेरियस पोस्टों पर ये रिक्रूटमेंट आया है, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी 700 पदों वाली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों इन रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो मिनिमम हाइट क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा दोस्तों यहां पर मिनिमम जो आपकी हाइट रहेगी वो 170 सेंटीमीटर रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए और चेस्ट रहेगा 80 से लेकर 85। वही दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने वालों की अगर हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर के बीच में होगा, वो सभी इस रिक्रूटमेंट के लिए फाइनली तौर पर सिलेक्शन ले पाएंगे। हाइट में छूट यहां पर मिलेगी। तो दोस्तों यहां पर जिन कैंडिडेटों ने नायक सूबेदार और नायक सूबेदार के अलावा दोस्तों हवलदार कलर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उन सभी की हाइट 165 सेंटीमीटर है तो भी वो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। यहां पर आप देख लीजिएगा 1380 आपकी जो वैकेंसीज है, जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की, और यहां पर टोटल वैकेंसी 729 है और आपका एज का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 18 से लेकर 25 साल यहां पर रहने वाला है। ओबीसी वाले कैंडिडेट है वो 28 साल तक भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और एससी एसटी वाले कैंडिडेट है वो 30 साल तक भी रेडियो एंड लाइन ऑपरेटर के लिए यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट की देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपके कलर्क की भी अच्छी खासी वैकेंसी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, और यहां पर 287 आप लोगों की यहां पर वैकेंसीज है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, मतलब इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कलर्क के लिए बता देता हूं, कलर्क मेल और फीमेल दोनों के लिए, और यहां पर केवल और केवल 12वीं पास आप होना चाहिए, साथ ही आपको टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की बात करें तो यहां पर 10वीं पास वाले सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन साथ में दोस्तों आपके पास में आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए फाइनली तौर पर सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा काफी अलग अलग वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें केवल सिंपल 10वीं पास वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरा नोटिफिकेशन डिटेल से देखना चाहते हैं तो साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां जाके पूरी अपडेट डिटेल से देख सकते हैं। साथ ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां जाके आप पूरी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।